नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक मंदिर इंदौर के खरजाना में स्थित है। गणेश चतुर्थी पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिर के पंडित ने बताया कि मंदिर पर 2 करोड़ रुपए के आभूषण चढ़ाए गए, साथ ही गणेश जी को 4 किलो के सोने से सजाया। बताया गया कि खरजाना का गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गणेश मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ पर भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्तजन भगवान गणेश की प्रतिमा की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को मोदक व लड्डू का भोग लगाते हैं। सूत्रों के मुताबिक होलकर वंश की महारानी ने यह मंदिर बनाया था। इस मंदिर का निर्माण 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु इस मंदिर की दीवार पर धागा बांधते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए भक्त दूर दूर से यहां आते हैं। आइए देखते हैं संवाददाता जया सेठी की ग्राउंड रिपोर्ट। चालू है। आज चतुर्थी के अवसर पर पंडित जी बताइए, क्या विशेष श्रृंगार किया गया है, क्या कुछ खास है आज? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 10 दिवसीय श्री गणेश जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। भगवान गणेश जी महाराज को आज रात्रि अखा तीज के दिन पंचामृत से स्नान कराकर भगवान का सिंदूर लगाया गया, उसके बाद स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं और भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। इन स्वर्ण आभूषणों की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है और ये 4 किलो सोने से बने हुए हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है और भव्य विद्युत सज्जा भी की गई है। आज प्रातः 10:30 बजे श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माननीय श्री मनीष सिंह जी इस 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव का शुभारंभ प्रातः 10 बजे ध्वज पूजन करके करेंगे। 51,000 मोदकों का भोग भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और महाआरती भी आज 10:30 बजे धूमधाम से शुरुआत हो जाएगी। जय गणेश। आज खजराना गणेश मंदिर में स्वर्ण आभूषण से विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान की मूर्ति से श्रृंगार किया गया है। भगवान को मोदक का भोग लगाया एवं 12 बजे विशेष आरती होने के बाद यहाँ पर प्रसाद का वितरण होगा। आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसे यहाँ पर सशक्त पुलिस बल तैनात है। बाकी सब तरह मंदिर पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, गार्ड लगे। हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, सालों से आ रहे हैं और अभी कोरोना के चलते हुए काफ़ी अच्छे से हमारे दर्शन हुए और सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, मास्क वगैरह प्रॉपर लगा के। और हम दर्शन फूलों से भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है। मैं तो कल ही आई थी और जब हम कल आए थे तो थोड़ा सूना सूना लग रहा था, लेकिन आज आए तो गणपति जी के आने से जो माहौल बदला है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, यू कैन फील इन द फेसेस ऑफ द पीपल, सो दैट इज द वेरी यू नो अप्रिशिएटेबल एंड वेरी पॉजिटिव वाइब्स दैट वी आर गेटिंग हियर। जयपुर जिले के जम्मा रामगढ़ तहसील के लालबास में आमेर बटालियन 8 कमांडेंट ऑफिसर द्वारा शहीद प्रकाश चंद मीणा की याद में श्रद्धांजलि दी गई। कमांडेंट ऑफिसर द्वारा सभी ग्रामवासियों व नव युवकों को प्रेरणा दी व शहीद के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर आज़ादी के जज्बे को आगे बढ़ाने का जुनून कायम करने की प्रेरणा दी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। साथी जो भी वर्तमान में ग्राम पंचायत दुलर राव जी के सरपंच शहीद के छोटे भाई इंद्र कुमार मीणा से आग्रह करूंगा कि आए और शहीद की प्रतिमा पर फूल की माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। We'll be right back.